हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि लेंथ को मेजर करने के टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जब पॉइंट्स हमारी अप्रोच में हो तो मेथड जो हम अप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम फाइंड करते हैं लेंथ, देन इट इज डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब पॉइंट्स अप्रोच में नहीं हो, एंड्स अप्रोच में नहीं हो, तो हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं। हमने डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड देखे इससे पहले लेक्चर में। आज हमारे पास एक और इनडायरेक्ट मेथड, पैरेलेक्स मेथड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? आज का टॉपिक नोट करिए, पैरेलेक्स मेथड। सपोज आपको अर्थ से मून की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अर्थ से आपको किसी प्लेनेट की डिस्टेंस फाइंड करनी है या किसी स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके तो नहीं जा सकते, टेप लेके, स्केल लेके। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो मेथड है पैरेलेक्स मेथड, आज यही देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा कि पैरेलेक्स क्या होता है। तो पैरेलेक्स क्या है इसको कुछ ऐसे समझिए, जो मैं बोल रहा हूं वो आप थोड़ा ट्राई करिए। अपनी फिंगर ऐसे रखिए अपने सामने और अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करिए। अब अपनी फिंगर को देखिए राइट आई से, फिंगर को किसी बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए, इट मे बी वॉल और एनीथिंग। तो आपको फिंगर की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ दिखाई देगी। अब आप अपनी राइट आई को क्लोज करिए, आपकी फिंगर की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। देखिए फिर से, लेफ्ट आई के रिस्पेक्ट में कुछ और, राइट आई के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। इस शिफ्टिंग, पोजीशन शिफ्टिंग को, इसी को हम पैरेलेक्स कहते हैं। तो पैरेलेक्स क्या है, लिखिए इसका डेफिनेशन। पैरेलेक्स इज अपेरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइडवाइज। जब हम आई का मूवमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है, शिफ्टिंग होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, इसी को पैरेलेक्स कहते हैं। ठीक, इसको कुछ ऐसे समझिए, आपके घर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्री है, ये वो ट्री है, मैं उसको ओ बोल रहा हूं। आपने पहले इसको ए पोजीशन से देखा, यहां से, फिर आपने इसको थोड़ा आगे गए, आगे चल के गए, और फिर आपने उस सेम ट्री को बी पोजीशन से देखा। ठीक है, अब देखिए, जब आप ए से देख रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड यहां दिखाई देगा, लेकिन जब आप बी से देख रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड कुछ और दिखाई देगा। ओवरऑल ट्री का पोजीशन चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जो मैंने एग्जांपल दिया वो फिंगर आपका ओ हो गया, ऐसे ये फिंगर आपका ओ हो गया, ए लेफ्ट आई हो गई और बी राइट आई हो गई, ठीक हो गया। अब ये जो ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड बेसिस, बेसिस या बेस इसको कहते हैं, डिनोटेड बाय बी, इसको बी से डिनोट करेंगे। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड पैरेलेक्स एंगल, पैरेलेक्स एंगल या इसको पैरेलैक्टिक एंगल भी कहते हैं, पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ऐसे भी आप पैरेलेक्स को समझ सकते हैं। जब आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, या आप किसी व्हीकल में मूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आपके नियर हैं जैसे ट्रीज हो गए, वो बहुत फास्ट मूव करते हुए आपको अपीयर होते हैं, अपोजिट बहुत फास्ट, बहुत तेज चलते हैं। उससे थोड़ा जो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा वो थोड़ा स्लो चलते हुए लगता है, थोड़ा दूर आप पर्वत देख रहे हैं, कोई पहाड़ देख रहे हैं, माउंटेन देख रहे हैं, वो और स्लो चलता हुआ लगता है। आप और दूर देख रहे हैं, और डिस्टेंस पे देख रहे हैं, जैसे कोई स्टार देख रहे हैं, वो तो लगभग ना के बराबर चलता हुआ लगता है। इसका मीनिंग ये हुआ, जो ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर होगा जब आप चल रहे हैं तो वो उतना स्लो चलता हुआ लगता है, और अगर बहुत दूर देख रहे हैं, स्टार देख रहे हैं, कोई प्लैनेट देख रहे हैं 1000 किलोमीटर अवे, वो तो लगभग स्टेशनरी रहता है। ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा समझिए। आप चल रहे हैं अर्थ में, ए टू बी आप चल रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट आपके नियर होगा उसका पैरेलेक्स एंगल लार्ज होगा, ये वाला लार्ज होगा, तो उसकी शिफ्टिंग देखिए, एक बार वो यहां नजर आएगा बैकग्राउंड इसके साथ, और इसका बैकग्राउंड एक बार यहां नजर आएगा, तो ज्यादा ये आपको शिफ्ट होता हुआ लग रहा है। जो ऑब्जेक्ट थोड़ा और डिस्टेंस पे होगा उसको देखिए, उसका पैरेलेक्स एंगल, ये वाला एंगल कम होगा, तो जो ज्यादा दूर होगा उसका पैरेलेक्स एंगल कम होगा, और शिफ्टिंग देखिए, एक बार यहां एक बार यहां, तो ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नहीं लग रहा है। जो और ज्यादा डिस्टेंस पे होगा ये, इसका देखिए, इसका पैरेलेक्स एंगल और भी स्मॉल हो गया, और इसकी शिफ्टिंग बस यहां होगी। और ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका पैरेलेक्स एंगल और स्मॉल हो जाएगा, और वो लगभग स्टेशनरी रहेगा। तो ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट आपसे जितना ज्यादा डिस्टेंस पे, वो उतना स्लो शिफ्ट होता हुआ अपीयर होगा, और जो बहुत डिस्टेंस पे है 1000 किलोमीटर अवे, वो तो लगभग स्टेशनरी रहता है। ठीक है,
और थोड़ा इसमें समझिए, देखिए अभी तक हमने दो चीजें देखी, दो चीजें समझी। पैरेलेक्स क्या होता है? शिफ्टिंग इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस वो उतना स्लो चलता हुआ अपीयर होता है, क्योंकि इसका पैरेलेक्स एंगल कम होगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये पैरेलेक्स मेथड से आप कैसे किसी प्लैनेट की, स्टार की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, अब उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले, स्टार प्लैनेट्स को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमसे ज़्यादा नियर है, अर्थ से ज़्यादा नियर पे है, जैसे मून हो गया, प्लैनेट्स हो गए, सर ये नियर का है लेकिन इस और स्टार्स के कंपेरिजन में नियर है। सेकेंड, मीडियम रेंज के स्टार्स जो इन प्लैनेट से, मून से, इनसे ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। थर्ड, वो स्टार्स जो बहुत दूर हैं। तो ये थ्री कैटेगरीज, जो बहुत नियर हैं, सेकंड मीडियम रेंज, और थर्ड जो बहुत दूर है। तो पैरेलेक्स मेथड की हेल्प से हम 100 लाइट ईयर से कम के रेंज के स्टार्स की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 100 लाइट ईयर्स भी इनफ है, 100 लाइट ईयर्स, ठीक है, वहां तक के डिस्टेंस के स्टार्स की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलेक्स मेथड। उससे ज़्यादा, 100 लाइट ईयर से ज़्यादा जो स्टार होंगे उनकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें कलर, टेम्परेचर, उससे देखना पड़ता है, वो डिफरेंट मेथड है। तो देखते हैं पहले कि कैसे मून की या अदर प्लैनेट्स की डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पैरेलेक्स मेथड। हमें मून की डिस्टेंस या किसी दूसरे प्लैनेट की डिस्टेंस फाइंड करनी है अर्थ से, तो उसके लिए पैरेलेक्स मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये हमारे पास अर्थ, ये कर्वेचर अर्थ का, ठीक, ये है हमारे पास कोई प्लैनेट, सपोज मून, इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है अर्थ से। ओ पे हमारे पास मून है, ठीक, तो हम क्या करते हैं इसके लिए स्टेप्स देखिए। सबसे पहले हम कोई टू पोजिशन सेलेक्ट करते हैं, ए और बी हैं वो, सपोज टू ऑब्जर्वेटरीज, ठीक। इन टू पोजिशन से, पहले टू पोजिशन सेलेक्ट की, उसके बाद हम कोई एक डिस्टेंट स्टार सेलेक्ट करते हैं, कोई एक स्टार जिसकी पोजिशन इनके रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। मतलब एक ऐसा स्टार, बहुत दूर का स्टार जिसकी पोजिशन मूवमेंट करने से चेंज ना हो, तो ना हो तो वो दूर का ही होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंट स्टार होता है। तो हमने एक सेलेक्ट किया डिस्टेंट स्टार, ए से देखने पे वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर है, तो बी से देखने पे भी वो वहीं दिखाई देगा, पोजिशन चेंज नहीं हुई, लगभग जीरो चेंज हो रही है पोजिशन, ठीक है, अभी भी वही है। इसके बाद हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली, सपोज दिस इज एस, यहाँ से भी वो डिस्टेंस एस होगी, ये एस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। देखिए कैसे पैरेलेक्स इसमें यूज होता है, इनडायरेक्ट मेथड, वो समझना। क्या किया फिर से देखो, टू पोजिशन सेलेक्ट की, ए और बी हैं वो, सपोज हमने कोई ऐसा स्टार सेलेक्ट किया जो बहुत दूर है और जिसकी पोजिशन मूवमेंट करने में चेंज नहीं हो रही है, एंड सपोज दिस इज एस डैस। नाउ वी हैव टू फाइंड एस, वी हैव टू फाइंड एस, कैसे फाइंड करेंगे एस को, देखना ध्यान से, देखना अच्छे से, ये क्या है, ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड बेसिस, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, दिस इज कॉल्ड बेसिस, सपोज दिस इज बी बेसिस, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, क्या टेक्निक है, अब सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये एंगल फाइंड करते हैं, दिस एंगल, एंड सपोज दिस इज थीटा वन, ओके, फिर हम ये यहां से ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, मून का फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो मून का और उस स्टार का एंगल फाइंड करते हैं, सपोज दिस इज थीटा टू, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की ऐसे, इफ दिस इज थीटा वन, दिस आर टू पैरेलल लाइंस, दिस इज ऑल्सो थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू, ओके, ये टू एंगल्स अपने को मिले। अब ये थीटा वन प्लस थीटा टू, ये क्या हो गया, पैरेलेक्स एंगल, तो इसको लिखते हैं पैरेलेक्स एंगल, सपोज दिस इज थीटा विच इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, पैरेलेक्स एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू, ओके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये जो टू पॉइंट्स हैं ए और बी, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में तो बहुत दूर हैं, ये सपोज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, ये यहां से जो हम एंगल देख रहे हैं ये साइमल्टेनियसली देखना है, एक साथ, सर एक साथ हम दो जगह से कैसे देख सकते हैं, तो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक यहां से देख रहा है एक यहां से देख रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली होना चाहिए एक साथ, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट होता है, ठीक है, और प्लैनेट भी रोटेट करते हैं, प्लैनेट भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, मून भी रोटेट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो पोजिशन चेंज हो जाएगी, इसलिए साइमल्टेनियसली होता है एक साथ। तो ए और बी से हमने एक साथ सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से थीटा वन थीटा टू फाइंड किए, और थीटा वन प्लस थीटा टू क्या हो गया, पैरेलेक्स एंगल,
ठीक हो गया। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है एस, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, इट इज वेरी वेरी लार्ज, 1000 किलोमीटर्स में। और ये जो टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो ये बहुत दूर हमको लग रहा है कि भाई 200-300 किलोमीटर, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें, इसके रिस्पेक्ट में देखें, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो ये काफी स्मॉल है। एज बी इज लेस देन एस, एस इज व्हाट, एस इज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ जो हमें फाइंड करना है। बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बेसिस, ठीक, ये स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस एस। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, सो वी कैन टेक बी एज एन आर्क, हम बी को आर्क एज्यूम कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्मॉल है, देखो यहां पे समझना, ये स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, एस के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, तो अगर हम इसको ये ले लें, आर्क ले लें, तो कितना डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, बहुत कम। अगर ये स्ट्रेट डिस्टेंस 700 मीटर की है तो ये वाली कितने की आएगी, लगभग 800 मीटर, लेकिन ये तो 1000 किलोमीटर में है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हमारे पास ये एज्यूम कर लें कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बी, जो होता भी है, एस इज ग्रेटर देन बी, तो ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो गई, इसके कंपेरिजन में काफ़ी स्मॉल है, ऐसा है तो हम इस बी को एक आर्क एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा, तो हम इस बी को एक आर्क बोल रहे हैं, कैलकुलेशन में इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक हो गया, ये एक आर्क है ऐसा, ठीक है। अब समझिए देखिए क्या होगा, अब ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है, एस, हमने बी को एक आर्क एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये जो एंगल है, एंगल थीटा, एंगल थीटा, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, ये बी, एंगल इज आर्क बी अपॉन रेडियस, रेडियस इज दिस एस। तो बी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कहां कहां से ऑब्जर्वेशन किया, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, दिस इज बी, थीटा इज थीटा वन प्लस थीटा टू, जो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। तो एस किसके इक्वल आ गया, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, एंड दिस इज डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है। फिर से देखिए हुआ क्या, हमें एस फाइंड करना था, एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा आया, व्हाट इज बी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, थीटा, थीटा इज पैरेलेक्स एंगल विच इज इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, तो हमने ये एस डिस्टेंस फाइंड कर लिया। एक और चीज समझिए, ये अर्थ का कर्वेचर है ऐसा और ये बहुत लार्ज डिस्टेंस है, ये एस, प्लैनेट कितने दूर होते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो किसी भी पॉइंट से वो अर्थ की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। देखिए इतनी ज़्यादा हुई, ये ऑलरेडी बहुत लार्ज है तो इतना डिफरेंस आएगा बस, तो ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल अगर हमने एस फाइंड कर लिया तो अर्थ के किसी भी पॉइंट से लगभग डिस्टेंस वही होगी उस प्लैनेट की। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है, फिर से समझिए, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। क्या स्टेप्स हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है हमने मून की अदर प्लैनेट की, तो स्टेप्स ही हैं। क्या स्टेप्स हैं उनको थोड़ा लिख लेते हैं, सेलेक्ट टू पोजिशंस, पहले टू पोजिशन सेलेक्ट करिए ऑन द अर्थ, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, व्हाट इज सेकेंड स्टेप, कोई एक स्टार सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट डिस्टेंट स्टार जिसकी पोजिशन उन टू पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो, वहीं पे है डिस्टेंट स्टार। थर्ड, ये भी हो गया, फिर सेक्सटेंट की हेल्प से साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे पैरेलेक्स एंगल फाइंड करिए, फाइंड पैरेलेक्स एंगल, ये हो गया। उसके बाद क्या है, अप्लाई फॉर्मूला एंड कैलकुलेट डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस। तो पैरेलेक्स एंगल थीटा वन प्लस थीटा टू, बी इज लेस देन एस, सो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली एन आर्क। नाउ एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस इज एस, सो एस वी हैव टू फाइंड एस, डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, सो एस इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून और एनी अदर प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, ये तो ठीक है। अगर कोई स्टार बहुत दूर है, मीडियम रेंज की बात कर रहा हूं, मीडियम रेंज का स्टार है, सपोज ऐसा, ये अर्थ है,
और ये इतनी दूर है यहाँ, अर्थ को थोड़ा ये ऐसा कर्वेचर, और ये बहुत दूर है, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा अर्थ में ये बहुत स्मॉल एंगल फॉर्म करेगा। तो हमने कहा लार्ज एंगल चाहिए, अर्थ में थोड़ा दूर निकल जाओ, लेकिन अर्थ तो है ही इतनी, अर्थ तो इतनी है और इसकी डिस्टेंस बहुत लार्ज है। मैंने बताया था जितना दूर होगा उसका पैरेलेक्स एंगल उतना ही स्मॉल होगा, हमें इस एंगल इंक्रीज करना है पैरेलेक्स एंगल। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स दूर चले जाओ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स को दूर कर दो, लेकिन अर्थ तो इतनी है, स्टार मीडियम रेंज वाला भी बहुत दूर है, 95 लाइट ईयर्स इतनी दूर है। तो कितनी दूर हम अर्थ में जा नहीं सकते, अर्थ की लिमिटेशन है, अर्थ की बाउंड्री इतनी, अर्थ है ही इतनी। तो ये पैरेलेक्स एंगल मीडियम रेंज वाले स्टार के लिए बहुत स्मॉल होता है और सेक्सटेंट इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। प्लैनेट्स की बात करें या मून की बात करें, उनका एंगल तो फिर भी लार्ज क्रिएट हो जाता है, लेकिन मीडियम रेंज वाले स्टार का ये एंगल पैरेलेक्स एंगल स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? क्योंकि है वो दूर और अर्थ छोटी है उसके कंपैरिजन में, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो पैरेलेक्स एंगल स्मॉल है। इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, मीडियम रेंज वाले स्टार का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, चलिए उसको देखते हैं। ओके, मीडियम रेंज वाले स्टार्स की डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं अर्थ से फ्रॉम पैरेलेक्स मेथड, उसको समझते हैं। देखिए, अगर वही टेक्निक अप्लाई करें जो हमने मून के लिए अदर प्लैनेट्स के लिए की, तो पैरेलेक्स एंगल स्मॉल हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड करें, इसके लिए क्या टेक्निक अप्लाई की, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक थी, उसको देखिए। अर्थ रिवॉल्व हो रही है अराउंड द सन, दिस इज सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्स पाथ में ऐसे ये अर्थ रिवॉल्व हो रही है इसके अराउंड, ठीक। अब देखिए, ये अर्थ का जो पोजीशन है 6 मंथ्स के बाद अर्थ डायमेट्रिकली अपोजिट आ जाती है। यहां पे अगर अर्थ है तो 6 मंथ्स के बाद रिवॉल्व करते हुए वो डायमेट्रिकल अपोजिट यहां पे आ जाएगी, ठीक हो गया। ये सन है, अर्थ अभी यहां पे है, 6 मंथ्स के बाद इस पॉइंट पे वो आ जाती है, ठीक। हमें यहां से इस स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये अर्थ है, ये स्टार है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है मीडियम रेंज वाला। तो हमने इससे भी ज्यादा दूर वाला स्टार लिया जिसकी पोजीशन लगभग सेम है, चाहे अर्थ यहां पे चली गई या यहां पे चली गई, ये इतनी दूर है, ये इतनी दूर है अर्थ से कि इसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है, इसकी डायरेक्शन, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, अर्थ यहां चले गई, चली यहां चली गई, हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। हमने कहा हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है भाई अर्थ से, ये डिस्टेंस, सपोज दिस इज एस, दिस डिस्टेंस इज एस, ठीक। तो टेक्निक क्या है, फिर से हमने इंतजार किया 6 मंथ्स का, पहले ऑब्जर्वेशन यहाँ से की ए पॉइंट से, हमने 6 मंथ्स का वेट किया और अर्थ मूव करते हुए डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट बी पे चलेगी। जब ए पे था तो हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, सपोज दिस इज थीटा वन, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, दिस इज ऑल्सो थीटा वन, ठीक हो गया। अब हमने 6 मंथ्स के बाद ये एंगल फाइंड किया उसे स्टार के रिस्पेक्ट में जो इससे भी ज़्यादा दूर है, सपोज दिस इज थीटा टू, सो दिस इज ऑल्सो थीटा टू, नाउ पैरेलेक्स एंगल थीटा विल बी इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू, ये जो पैरेलेक्स एंगल है ये वाला, ये थीटा वन प्लस थीटा टू हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए वही टेक्निक, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, ये वाला आर्क के अप्रॉक्स ले लेंगे। अब देखिए ये कितना होगा, ये ए बी, सन से और अर्थ की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, मैंने यूनिट वाले में बात की थी प्रैक्टिकल यूनिट जब हम कर रहे थे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सन से और अर्थ की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, सन से अर्थ की 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल, तो ये कितनी होगी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस कितनी है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक हो गया। तो फिर से वही, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, व्हाट इज आर्क, ए बी अपॉन रेडियस, रेडियस इज एस, सो एस डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू ए बी अपॉन पैरेलेक्स एंगल थीटा, एंड ए बी इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे रखा थीटा, हमारा थीटा थीटा वन प्लस थीटा टू के इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना इससे पहले वाले में थीटा जो हमने देखा या इसमें थीटा जो हम देख रहे हैं, ये थीटा किस में रहेगा, रेडियन में, इसको रेडियन में रखना है, इस बात का खास ध्यान रखना है कि यह किस में रहेगा, रेडियन में, रेडियन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। और हमने रिलेशन देखा था, 1 रेडियन या सीधा डायरेक्ट करें इसको, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर से देखिए क्या हुआ, हमें एक मीडियम रेंज वाले स्टार की डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमने 6 मंथ्स का वेट किया,
अर्थ यहाँ से डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट पे आ गई, वो डिस्टेंस, वो स्टार जो बहुत दूर है उसकी पोजिशन लगभग सेम है, ठीक हो गया। हमने पैरेलेक्स एंगल कैलकुलेट किया थीटा वन प्लस थीटा टू, सो डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार एस इज इक्वल टू ए बी आर्क विच इज टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन पैरेलेक्स एंगल थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो ऐसे हम मीडियम रेंज वाले स्टार की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल टेक्निक है और इंटरेस्टिंग टेक्निक है पैरेलेक्स मेथड, ठीक है। जो बहुत दूर स्टार होंगे 100 लाइट ईयर से ज्यादा, उनकी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए पैरेलेक्स मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर हो जाते हैं, इतना पैरेलेक्स एंगल इतना कम हो जाता है कि यहाँ से भी फाइंड नहीं कर सकते, ऐसा करके भी फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं, कलर देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरेलेक्स मेथड, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।